सो वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, बेसिकली आर एंगल और जेड। आर मतलब हो गया रेडियल डायरेक्शन और फाई मतलब हो गया अपना ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, और जेड जो हो गया हमारा एक्सियल डायरेक्शन हो गया। जो जेड रिप्रेजेंट कर रहा हाइट ऑफ द सिलेंडर को, फाई रिप्रेजेंट करता है दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो आर है वो हमारा रेडियल डिस्टेंस हो गया। आप इसको सिलेंडर देखने की तरह से आप अज्यूम करिए, ये जो एक तरीके से सिलेंडर देख सकते हैं आप इसको, अगर मैं इसको थोड़ा, ये बहुत बड़ा सिलेंडर है, आप इसमें बना नहीं सकते, यहाँ पे छोटी सी जगह है, तो एक तरीके से ठीक है। तो अब ये सिलेंडर आपको कुछ दिख रहा होगा, तो इस सिलेंडर में से हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट निकाल लिया। वो एलिमेंट आप देखो किस तरीके से निकाला गया है इसमें, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब इस एलिमेंट को हमने तो सबसे पहले क्या कंसिडर, डिफरेंशियल एलिमेंट हुज जो डायमेंशन है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट की जो डायमेंशन है वो हमने लिया है डी फाई एंगल। डी आर एंगल हो गया इसका रेडियल में छोटा सा डायरेक्शन, और डी जेड हो गया छोटी सी हाइट होगी। तो अब मैं इसको जो मिटा देता हूं, मैं इसको इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया डिफरेंशियल एलिमेंट। तो आप देखो हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। अगर ये सिलेंडर था हमारा, सपोज ये सिलेंडर था, तो हीट इस डायरेक्शन में कितनी फ्लो हुई, ये रेडियल डायरेक्शन है ना, हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से हो गया, क्यू आर हो गया। अब हीट जितनी अंदर जा रही है उतना बाहर भी आएगा, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, क्यू आर प्लस डी आर हो गया, बाहर आ गया। तो यहां पे जो लिखा है मैंने हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन इज, तो इनका लिखा है जब ये अंदर गया तो क्या आया, क्यू आर माइनस के एरिया आता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉरियर्स लॉ, डी टी बाय डी आर टेम्परेचर के लिए। अभी ध्यान की ये हीट फ्लो है, ये रेट ऑफ हीट फ्लो नहीं है, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे जो टाइम वाला फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाउ से रिप्रेजेंट किया इस टाइम को, तो डी टी बाय डी आर बिकॉज ये आर डायरेक्शन में एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हम हीट फॉरियर्स लॉ लगा सकते हैं ना सिर्फ। तो जो एरिया है हमारा, वो एरिया हमने कौन सा कंसिडर किया वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारा है डी जेड, हीट किस ये वाला एरिया लिया हमने, ये वाला एरिया लिया है, ये आर है, ये डी फाई है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी फाई हो गया, और ये हाइट कितनी है, डी जेड है। तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, डी टी बाई डी आर डी। अब हीट क्या हो रहा है, आउट होगा, हीट इन हुआ, हीट आउट हुआ रेडियल डायरेक्शन में, तो जो हीट आउट हुआ है वो कहना है क्यू आर प्लस डी आर। अब इसको लिखने का तरीका यह है, क्यू आर प्लस डेल क्यू आर डेल आर, डेल आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसका जो अब जो इसके अंदर जो नेट हीट है वो देख लेते हैं, नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, तो नेट हीट फ्लो कितनी हो रही है रेडियल डायरेक्शन में, तो नेट हीट क्या होगा, इन दोनों का माइनस हो जाएगा, इन माइनस आउट ये हमारा नेट फ्लो होगा। तो इन कितना है, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पे देखो क्यू आर में से क्यू आर देखो लिख लेते हैं यहां पे, क्यू आर माइनस डेल क्यू आर डिवाइड बाय डेल आर डी आर। तो देख सकते हैं यहां पे क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो जो नेट हीट फ्लो वो कितना आ गया, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, तो देखिए नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन कितना हीट फ्लो कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, माइनस डेल बाय डेल आर क्यू आर का जो एक्सप्रेशन आप उसमें से नोट कर लीजिए क्या है, माइनस के डी जेड अपॉन डी फाई आर हो गया, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डी टी बाय डी आर, और यहां पे हमारा टाउ आ जाता है टाइम वाला एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम लिख देते हैं डी आर। तो यहां पे मैंने बेसिकली क्यू आर की वैल्यू मैंने यहां पे पुट किया है। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखिए अगर हम इसमें से कुछ बाहर टर्म्स निकालती है, नेट हीट फ्लो को हम इस तरीके से लिख देते हैं डेल क्यू आर, ये नेट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन कितना, मतलब जो नेट फ्लो इसके अंदर एलिमेंट के अंदर कितना हीट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट हीट फ्लो हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेसिकली, तो प्लस के बाद हो गया यहाँ पे क्या आ गया, के डी जेड डी आर। ये देखो यहाँ पे ये वाली टर्म जो होगी वो बाहर आ जाएगी, डी जेड डी फाइव भी बाहर आ गया, आर बाहर नहीं आएगा बिकॉज ये पूरा फंक्शन है यहाँ पे बैठा हुआ,
तो ये dr है, ये dr डिफरेंशिएशन ये बाहर आ जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ये वाला हमारा जो फंक्शन हो जाएगा आप इसके बाद क्या लिखेंगे, डेल बाय dr, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन क्या, एक r बैठा हुआ है, dt बाय dr, और उसके बाद हो गया हमारा d tau, ये हमारा एलिमेंट यहां पे बंद हो गया है। तो अब आप देखो इसको इसको किस तरीके से लिखना है, देखो यहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, डीवी की बात करूं, मैं छोटे से इस एलिमेंट की वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, इसका मतलब यहां पे dz हो गया इसकी हाइट, और dr हो गया इसका है, और प्लस में ये हो गई इसकी लेंथ, तो इसको देखो इस तरीके से लिख देते हैं, आर डी फाइव ये वाली टर्म dz, और dz के बाद क्या आएगा dr, तो इसको हम dv के नाम से लिख देते ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो k आ गया और इसको हमने dv नाम दे दिया। तो अब डेल फाइव बाय डेल आर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज ये r का फंक्शन है, r का फंक्शन है, मतलब r डेल t बाय dr, इसको ब्रैकेट को यहां से हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये वाला टर्म हो गया ना, तो अब इसको देखो डेल, अब इसको इसको डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बिकॉज दोनों यहां पे क्या है वेरिएबल्स है, तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल टी बाय ये वन हो जाएगा, देखो फर्स्ट एज इट इज, सॉरी सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डेल टी बाय डेल आर प्लस सेकंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर टी डिवाइड बाय डेल स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हमने ब्रैकेट बंद किया और बाहर आ जाएगा टाओ का फंक्शन, तो ये हमारा हो गया नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। अगर हम इसको और अच्छे वे में रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरीके से करेंगे, तो इसको देखते हैं, अगर हम इसको डेल क्यू बाय आर और के डीवी, अगर मैं यहां पे आर जो है वो मैं नीचे ले आऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन आर डेल टी बाय डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी डिवाइड बाय डेल आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा टाइम का फंक्शन, हमने आर से डिवाइड कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया है आर से, इस पूरे को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब एक्सियल डायरेक्शन भी करेंगे, एक्सियल डायरेक्शन का भी देख लेते हैं। देखो अगर आप इसको नोट का साथ साथ नोट करते चले जाओगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि हुआ गया, नहीं तो ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं समझ में आने वाला, आप इसको पेन के साथ नोट करें, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप उसको लिखते जाइए, उसके बाद देखिए। तो जो आप देखते हैं हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन क्या होता है, हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन, तो पहले हम क्या करेंगे, हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन पता करते, पहले एक्सियल डायरेक्शन किसको कहते हैं, एक्सियल डायरेक्शन ये होता है हमारा, ये देखो नीचे से भी हीट जाएगी ना, तो ये कुछ इन गई और ये क्या हो गया आउट हो गया, तो इसमें भी हमारा जो मेन मकसद क्या है कि इक्वेशन तो निकला आता ही है, फॉरियर्स को क्या कहता है, क्यू इज इक्वल टू के अपॉन एरिया और टेम्परेचर का ग्रेडियंट, तो देखते हैं इन इनका क्या होता है, क्यू जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में कितनी एंटर कर रही है, माइनस के एरिया कैसे लेंगे, देखो एरिया को वही सिंपल है, ये वाला एरिया लेंगे क्योंकि इसके अंदर से हीट निकल रहा है ना, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा अपना dl dr, और ये वाला ये वाली होगी तुम्हारी r d phi, तो एरिया आ जाएगा dr डॉट r d phi, इसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल t डिवाइड बाय डेल z आएगा इधर क्योंकि z डायरेक्शन है, और यहां पे क्या आ जाएगा tau का फंक्शन आएगा, बिकॉज ये हीट फ्लो है, रेट ऑफ हीट फ्लो नहीं है। अब आउट का देखते हैं, आउट के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू जेड प्लस डी जेड हो गया, माइनस के बाहर से कितना, इसको तो इस तरीके से लिखते हैं ना, क्यू जेड प्लस डी जेड, ये इसको छोटा सा लिखेंगे डी जेड, तो जो आउट वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, क्यू जेड प्लस डेल क्यू बाय डेल जेड क्यू जेड अपॉन में डी जेड। अब इस क्यू जेड में हम ये क्यू जेड की वैल्यू है, अब ये हम इसके अंदर डालेंगे, तो आप देखते हैं अब नेट हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन, नेट हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन क्या होता है, तो देखते हैं नेट हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन, नेट हीट फ्लो एक्सियल डायरेक्शन का क्या होगा, देखो डेल क्यू बाय डेल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नेट हीट फ्लो है, तो नेट हीट फ्लो कितना है हमारा, नेट हीट फ्लो को हमने डी क्यू जेड से नाम दिया है, तो नेट हीट फ्लो माइनस आ गया डेल बाय डेल जेड,
जो ये क्यू इन था, क्यू इन की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी नीचे, तो वो क्यू इन की वैल्यू क्या थी, माइनस के अपॉन में एरिया, एरिया क्या था डी आर आर डी फाइव। और इसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, एक्सजेड डायरेक्शन निकाल रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो ये हीट फ्लो था, बताया था मैंने, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से टाउ आ जाएगा। और इसके बाहर हमारा जो है वो क्या है, डी जेड है, डेल जेड बोलते हैं सर, डी जेड है, डी जेड है। तो अब इसके बाद देखते हैं जो माइनस माइनस क्या हो गया, पूरा प्लस हो गया। बाहर देखो क्या क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, डी फाइव भी आ जाएगा, और डी फाइव के बाद डी जेड भी आ जाएगा। तो जो अंदर हमारा जो फंक्शन बचेगा वो क्या उनसे बचेगा, डेल वाला, डेल डेल अपॉन डेल जेड, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और जो अंदर फंक्शन है वो डी टी अपॉन डी जेड है। ये हमने इसको बंद किया और यहाँ पे किसका फंक्शन आ गया, टाउ का फंक्शन आ गया, टाइम। याद है हमने इसको क्या नाम दिया था, वॉल्यूम है ये, पूरी इसका वॉल्यूम है। इससे पहले जो अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, इसमें इस पूरे को हमने वॉल्यूम एलिमेंट दिया था डीवी, ठीक है। अगर आपने नोट किया हो तो आप उसको पीछे जाके देख लीजिए। डेल अपॉन ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाय डी, डेल जेड स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा टाओ। तो ये हमारा नेट हीट फ्लो हो गया किसका, एक्सियल डायरेक्शन का। तो अब ये एक्सियल डायरेक्शन का हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेट हीट फ्लो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो मैं इसको मिटो देता हूं। तो देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है, पहले ये बताओ टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब ये वाला होगा, ये वाला कंसिडर करेंगे। अगर इसको हम देखा जाए तो यहां से हीट एंटर करेगी, ये हो गया हमारा क्यू फाइव, और यहां से हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये हमारा हो गया क्यू फाइव प्लस डी फाइव। तो देखते हैं जो नेट हीट फ्लो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हीट फ्लो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो देखो इनका देख लेते हैं, इनका क्या होगा, इनका देखो यहां इन क्या कर रहा है, इस तरीके से एंटर कर रहा है। तो हमें एरिया कौन सा था, ये वाला लेना था एरिया, हमको ये वाला कंसिडर करेंगे। तो यहां पे जो इनका टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो हीट फ्लो हो रही है, इस एलिमेंट के अंदर जो हीट जा रही है वो क्या हो जाएगा, माइनस के, एरिया कितना आएगा, डी आर इसकी लेंथ और डी जेड इसका ब्रेथ, डी आर और डी जेड। अब यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखना है वो बहुत ही ध्यान से समझ लो। यहां पे देखो टेम्परेचर, यहां तो डी टी ही आएगा, ठीक है। यहां डिवाइड बाय, यहां पे फाइव मत लिख देना, डी फाइव मत लिख देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी फाइव इज द एंगल, और एंगल 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 कुछ होती थोड़ी ना, यहां पे तो हमको लेंथ लिखनी होती है ना, डी टी अपॉन डी आर, इस ये वाली लेंथ आएगी, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है ना, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आर डी फाइव। अब यहां पे देखो ये हीट फ्लो है, तो यहां पे ये क्या होता था, रेट ऑफ हीट फ्लो होता था। तो ये यहां पे हीट फ्लो है, तो यहां पे टाउ इधर आ जाएगा, क्यू अपॉन टी रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, तो टाइम इधर आ गया, ये आ जाएगा टाइम, टाइम हो गया हमारा डी टी, टाउ लिख देते हैं टाइम को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये टेम्परेचर है और ये टाउ है। अब देखते हैं आउट का, देख लेते हैं आउट के केस में क्या हो जाएगा, यहां पे बाहर निकलेगा ये डी फाइव हो गया, हीट बाहर निकल गई, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, क्यू फाइव प्लस, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, यहां पे आर डी फाइव आएगा, पता है ना ये वाली लेंथ लेनी है। उसके बाद देखो Q5 अंदर, और सेम यहां पे क्या करेंगे, R D5 यहां पे आ जाएगा, बस ये D5 लिखते हैं, ये अगर Q5 है तो यहां पे डेल Q5 लिख दिया, और R D5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आप देखो नेट हीट फ्लो, देखो नेट हीट फ्लो, नेट हीट फ्लो का मतलब है इन माइनस आउट, इसके अंदर कितना कितना जो हीट है वो बचा हुआ है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डी क्यू, और यहां पे लिखते हैं फाइव, डी क्यू का मतलब नेट हीट फ्लो इन माइनस आउट। तो जब भी तुम इन में से आउट माइनस करोगे तो क्यू फाइव से क्यू फाइव कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू फाइव से क्यू फाइव कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां माइनस साइन आएगा ना, इन माइनस आउट है तो माइनस साइन यहां पे आ गया, लिख देते हैं चलो क्यू फाइव माइनस क्यू फाइव माइनस डेल अपॉन आर, ये हो गया आर डी फाइव Q5, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, मिटा देते हैं इसको, ये हमने मिटा दिया इस डायग्राम को, Q5 ये हो गया R D5, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं हम। देखो तो Q5 से Q5 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, अब माइनस साइन आ गया, माइनस यहां पे है अंदर, माइनस डेल अपॉन डेल ये R D5, डेल फाइव Q5
क्यू फाई की वैल्यू माइनस के, एरिया कौन सा लेंगे देखो यहां पे लिखा ही हुआ है डी आर अपॉन डी जेड, उसके बाद आएगा डी टी अपॉन आर टी फाई, यहां पे आ गया डी टाओ। अब देखो अब क्या करना है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, डी आर भी बाहर आ जाएगा, डी जेड भी बाहर आ जाएगा और हमारा कौन सा फंक्शन भी बाहर आएगा डी फाई भी बाहर आएगा। डी फाई है यहां पे कहीं पे, डी फाई हमने नहीं लिखा यहां पे, डी फाई डी फाई डी फाई, देखो कहां गलती हो गई, ये हमने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया आर डी फाई वाला डी टाओ, यहां पे आर डी फाई भी तो आएगा ना, यहां पे हमने लिखा आर, ये हमारा मार्कर खत्म हो गया, आर डी फाई ये लिख दिया हमने यहां पे आर डी फाई। आप सही है, क्यू क्यू की बस वैल्यू हमने यहां पुट करी है। आप देखो यहां पे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिख दिया हमने, प्लस के बाद क्या आ जाएगा के बाहर आ जाएगा, डी आर भी बाहर आ गया, डी जेड भी बाहर आ गया और डी टी भी बाहर आ जाएगा, टाइम वाला फंक्शन है और कोई बाहर आ रहा है, डी फाई आ रहा है बाहर, हाँ डी फाई भी आ रहा है क्योंकि ये डी फाई और ये पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए बाहर आ गया है। उसके बाद देखिए आर भी बाहर आ गया है, ये वाला आर भी बाहर आ गया, तो अंदर कौन कौन से बचे, ये वाले टर्म ये वाले टर्म ये वाले टर्म ये वाले टर्म, ये सारे बाहर आ गए, तो उसके बाद जो ये बाहर बचा डेल बाय डेल फाई आर भी बचा, आर आर क्या हो जाएगा बताइए, वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर 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 स्क्वायर हो गया, डेल और डेल टी, डेल टी कौन सा वाला टी है, ये डेल और डेल ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर टी हो गया ये, उसके बाद डेल फाई क्या हो जाएगा हमारा डेल फाई का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा नेट फ्लो, नेट हीट फ्लो इन कौन सा डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई तीनों डायरेक्शन की। तो अब हम क्या करेंगे देखो, मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूं, इसके बाद आप इसको नोट कर लिए, यहाँ पे टाइम का फंक्शन है कहीं पे, देखो टाइम यहाँ पे नहीं है, डी टी लिखना भूल गया हम यहाँ पे, तो यहाँ पे डी टी लिख दिया साइड में, डी टी टाओ लिखते हैं इसको, टाओ लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप देखिए चाहे तो इसको आप पूरा का वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो देखो टोटल हीट कितनी फ्लो हो रही है, टोटल हीट फ्लो इन सिस्टम, टोटल हीट फ्लो इन सिस्टम, तो टोटल हीट फ्लो कितनी है dQ, dQ जेड में भी फ्लो हो रही थी dQ, फाइव में फ्लो हो रहा था dQ, आर में फ्लो हो रहा है, और जब इन तीनों का टर्म्स जो है आप प्रीवियस रिमाइंड करके देखिए, तीनों के टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे dV सब में आ रहा है, dV सब में आ रहा है, इसको हमने पूरे को dV एज्यूम किया था ना, तो dV सब में आ रहा है, dV क्या आ गया बाहर आ गया, dV बाहर आ गया और क्या बचेगा यहाँ पे k बच जाएगा, dT बच जाएगा, ये डी टाओ हो गया, डी टाओ बच जाएगा, और उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन देखो डेल स्क्वायर बाय टी, डेल जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी, डेल फाई का स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल टी अपॉन डी आर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन टी डेल आर का स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमें कैसे आया, जब तुम इन तीनों की वैल्यू को क्या करोगे ऐड कर दोगे और डीवी कॉमन निकालोगे तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन नाम दे देंगे। ये क्या है बता रहा है हमको, बेसिकली ये हीट बता रहा है उस एलिमेंट के अंदर कितना हीट था। तो देखिए जो नेट हीट वाला है उसको हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या है कि इसमें जो हमारा एलिमेंट था उसके अंदर जितना भी नेट हीट फ्लो था, नेट हीट था इसके अंदर, वो क्या करेगा हीट क्या करेगा हीट जनरेट करेगा। तो नेट हीट इसके अंदर जितना भी बचा हुआ है वो क्या करेगा हीट जनरेटेड करेगा और इक्वल टू किसके आ जाएगा हीट इसके अंदर कितना स्टोर्ड है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये नेट हीट कितना, ये इक्वेशन नंबर वन हमने यहां लिखा है, बहुत बड़ा है इसलिए हम लिख नहीं सकते यहाँ पे। हीट जनरेटेड क्या होगा, ये हीट जनरेटेड सोर्स क्या होता है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्यू जी, क्यू डॉट से भी लिखते हैं क्यू जी से भी लिखते हैं यहाँ पे, और ये वॉल्यूम आ गया और ये रेट ऑफ हीट फ्लो नहीं है, ये क्या है यहाँ पे सिर्फ हीट फ्लो है। तो यहाँ पे टाइम का एक्सप्रेशन आएगा ना, हर बार बताता हूँ मैं, हीट स्टोर क्या होता है, हीट स्टोर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, और इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है जो मास सी, और ये हमारा क्या आता था टाइम में आता था डी टी टेम्परेचर, और यहाँ पे आता था ये टाओ वाला फंक्शन टाइम, और मास हमारा क्या होता है, मास हमारा क्या होता है रो इंटू डीवी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सी, और ये हमारा आ गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये हमारा टी डेल टी अपॉन डेल टाइम वाला फंक्शन टाओ, ठीक है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट नहीं है, इसलिए यहां पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा,
टाइम वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको dt। तो ये हमारे ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, डी वॉल्यूम और dt। dv से dt, ये दो, ये dv dt, dv dt ये कैंसिल आउट हो गया, और ये इस वाली इक्वेशन में भी देखो dv dt है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब तुम इनको इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा qg upon rho c। और फाइनल में अगर तुम इसमें से k बाहर निकाल लिया ना, k यहाँ पे सब में k बाहर ही वैसे भी, और देखो अगर हम इसको k से डिवाइड करते तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो यहाँ पे k आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा k। और हमें पता है ये थर्मल कैपेसिटी होता है और ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो अगर इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/α, ये हमारा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता है। तो ये हमारी हीट कंडक्शन इक्वेशन की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा हीट कंडक्शन इक्वेशन होगा वो ये होगा। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल।